नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्निकल स्किल्स फॉर USIT रिक्रूटर और IT रिक्रूटर। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे .NET टेक्निकल स्किल्स और .NET डेवलपर टेक्निकल स्किल्स फॉर USIT रिक्रूटर। ओके, सो इस वीडियो में हम बताएंगे .NET डेवलपर की वो स्किल्स जिसका यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी से .NET डेवलपर के रेज्यूमे को किसी भी पोर्टल या लिंक्डइन से सर्च कर सकते हैं और कॉल लगा के उस कैंडिडेट को क्लोज कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास .NET डेवलपर की स्किल्स का नॉलेज है तो बड़ी आसानी से आप बूलियन सर्च स्ट्रिंग बना सकते हैं और .NET डेवलपर को क्लोज कर सकते हैं। अब ये स्किल्स क्या हैं जानते हैं। यूनिट टेस्टिंग। ओके, सो यूनिट टेस्टिंग एक बड़ा यूनिक कीवर्ड है .NET डेवलपर के लिए। .NET वेब फ्रेमवर्क और वी कैन से .NET, किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में .NET लिखा होगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, वो .NET डेवलपर है वो रिक्वायरमेंट को गैदर भी करेगा। .C#। ओके, सो C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस जो कि बहुत ही कॉमनली .NET डेवलपर के रेज्यूमे में आपको मिलेगा C# कीवर्ड। VB.NET, ये भी एक यूनिक कीवर्ड है जो किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगा और इसका आपको यूज़ करना है जब भी बूलियन सर्च स्ट्रिंग आप बना रहे हैं। SP.NET, ये भी एक यूनिक कीवर्ड है, किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में SP.NET भी मिलेगा। Ada.NET, ये भी एक यूनिक कीवर्ड है जिसको आप नोट कर सकते हैं। SP.NET MVC। ओके, सो दोस्तों आप चाहे तो इस कीवर्ड को भी नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को आप की स्पीड आप स्लो करके भी इन कीवर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं। SP.NET MVC, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, स्पेशली ये डिज़ाइन पैटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। SQL सर्वर, किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में आपको SQL सर्वर में मिलेगा। क्रूड ऑपरेशन, क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। API, XML, JSON, JSON, Data Integration Technologies, MS SQL, Actual ये SQL ही होता है, Microsoft SQL, ये किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में ये कीवर्ड आपको मिलेगा, या तो SQL लिखा होगा या MS SQL लिखा होगा। Code Versioning Tools, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कोड वर्जनिंग टूल, किसी भी .NET डेवलपर या कहीं .NET डेवलपर किसी भी कंट्री में हो, चाहे US में हो इंडिया में, उसे कोड वर्जनिंग टूल का एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। jQuery, ये JavaScript लाइब्रेरी है। Ops, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, JavaScript भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल स्टूडियो कीवर्ड्स को भी आप इजीली किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो, एंटिटी फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क भी आपको .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगा। WCF, ये रेज्यूमे ये कीवर्ड भी आपको .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगा। ORM फ्रेमवर्क, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है जो आपको .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगी। CSS, ये भी एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है जो आपको बड़ी आसानी से किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगी। XSD, XSLT, RDBMS, रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जीरा भी आपको
.NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगा। जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। कॉन्फ्लुएंस, एज्योरे, यूएक्स, इन्फोमैच, एसक्यूएल क्वेरीज, अजाइल, अजाइल इज अ मेथडोलॉजी, ASP, एक्टिव सर्वर पेज, SQL joins। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैंने उन सभी कीवर्डों को लगभग उन सभी कीवर्ड्स को यहाँ मेंशन कर रहा हूँ या इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जो किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगा। इन कीवर्ड्स की सहायता से आप बड़ी आसानी से .NET डेवलपर के रेज्यूमे को फाइंड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप कि अगर आप कि जो टेक्निकल स्किल्स है वो ज़्यादा है तो आप मार्केट के 95% या 99% USIT रिक्रूटर को आप मार्केट से आउट करते हैं। SQL joins, ओके, क्लासिक ASP, UI, यूजर इंटरफेस, एंगुलर JS, ये भी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अब हम बात करेंगे TFS। दोस्तों टीम फाउंडेशन सर्वर इसे बोलते हैं और ये एक कोड वर्जनिंग टूल है जो कि .NET डेवलपर के रेज्यूमे में आपको मिलेगा। काफ़ी सारी कंपनियां जब किसी भी .NET डेवलपर को सर्च करती है तो एक मेजर रिक्वायरमेंट में टीम फाउंडेशन सर्वर रहता ही है। वेब सर्विसेज का नॉलेज भी होना चाहिए .NET डेवलपर को, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अडप्टिव डिज़ाइन एंड हाइबरनेट, अजोरे, SQL, .NET कोर, ये भी आपको .NET रेज्यूमे पे मिलेगा। बूटस्ट्रैप, REST, ये भी आप बड़ा यूनिक कीवर्ड है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। REST, REST, RPC, Web API, Link, LINQ, ये एक यूनिक कीवर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हैं या वीडियो को स्लो करके या स्पीड स्लो करके आप नोट कर सकते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स, किसी भी .NET को डिज़ाइन पैटर्न्स का नॉलेज होना चाहिए, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए। एंड सर्विस बस, Elastic Search, IIS, फ्रेंड्स ये भी एक यूनिक कीवर्ड है, प्लीज नोट कर लीजिए इसे। Ops, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सोर्स ट्री, GitHub, ओके, GitHub भी आपको किसी भी .NET डेवलपर के रेज्यूमे में एक कॉमन कीवर्ड मिलेगा। माइक्रो सर्विस, Pivotal, क्लाउड फाउंडरी, ये भी आपको एक यूनिक कीवर्ड मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस या OOAD या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन, मॉकिंग फ्रेमवर्क, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, स्क्रम इज आल्सो मेथडोलॉजी, राजोर, ये भी एक यूनिक कीवर्ड है। ओपन सोर्स लाइब्रेरीज, ये तीन वर्ड भी आपको किसी भी .NET डेवलपर में मिलेंगे। गल्प, बोवार, VS TS, SSRS रिपोर्ट्स, FTS, MySQL, ये भी एक यूनिक वर्ड है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। डैशबोर्ड्स रिपोर्ट्स, AJAX, यूनिक्स, UAT, WPF, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, WPF एक यूनिक कीवर्ड है, इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि जब भी आप बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे तो इसका यूज़ आपको करना है। लिनक्स, VSS, Node.js, Socket, Link to Entities, Bitbucket, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, विंडोज सर्विस, टाइप
टाइप स्क्रिप्ट, ये क्विक कीवर्ड भी आपको .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगा। API इंटीग्रेशन, COM इंटीग्रेशन, React, प्लीज नोट दिस कीवर्ड React, आपको बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाने में इसको यूज करना है। PostgreSQL, PostgreSQL, RESTful API, ये कीवर्ड भी आपको .NET डेवलपर में बड़ा कॉमन मिलेगा। वेब सॉकेट्स, रैबिट MQ, क्लाउड मैसेजिंग, क्रिस्टल रिपोर्ट्स, PLSQL, ये भी एक कॉमन कीवर्ड है जो कि आपको .NET डेवलपर के रेज्यूमे में मिलेगा। SCM, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, नेगेटिव टेस्टिंग, NoSQL, Cosmos DB। सो NoSQL भी एक कॉमन कीवर्ड है, सो प्लीज राइट दिस इज दिस विल बी यूज्ड इन .NET डेवलपर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको इन कीवर्ड को एज ए USIT रिक्रूटर राइट भी करना है और उनको सीखना है। जब भी आप किसी .NET डेवलपर की पोजीशन पे काम करेंगे, आपको इन कीवर्ड्स की सहायता से बोलियन सर्च स्ट्रिंग बनानी है, जिसके सहायता से बड़ी आसानी से आप किसी भी .NET डेवलपर को सर्च कर सकते हैं या रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट सोर्सिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं और सबमिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स पोजीशन होती है जिसे कई 95% रिक्रूटर इन रेज्यूमे इन जॉब पोजीशन को फिल नहीं कर पाते। अगर एक ऐसा रिक्रूटर हो जिसकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी अच्छी है तो वो बड़ी आसानी से इन रेज्यूमे को इन पोजीशन को फिल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।